नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद में लगने वाले दीपावली मेले का टेंडर हुआ पास, 2,38,00,000 रुपए में छूटा मेले का टेंडर। मुजफ्फरनगर में लगने वाले दीपावली मेले का आज ठेका छोड़ा गया है, जिसको लेकर कई ठेकेदार टेंडर डालने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत टेंडर खोले गए। दीपावली मेले का ठेका 2,38,00,000 रुपए में छोड़ा गया। मेले का ठेका छूट जाने के बाद नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन की तरफ से सभी सुविधा प्रदान की जाएंगी, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा ही कराई जाएगी। निहाल बहराइच, अच्छा 2,38,00,000, 2,38,00,000, अच्छा 10 बस डाल दिया, बस 2,38,00,000 डाल दिया। छत्तीस लकी नंबर है। किस नाम से आप? निहाल खुशी ट्रेडर्स। खुशी ट्रेडर्स जी। मुझे अभी तो हम अकेले, अभी तो कोई नहीं है, अब अकेले सर। नहीं, मैं अकेले, मतलब भाई ये प्रेम है अपना मुजफ्फरनगर वाली वासियों को, हमारी तरफ से बहुत शुभकामना, धन्यवाद। अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत खूबसूरत, तरह तरह के झूले आएंगे, तरह तरह की दुकानें आएंगी, सब कुछ अच्छे, पहले से बता सब रहेगा सर, बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत कायदे का रहेगा, पहले से एकदम नोटंकी नहीं रहेगी सर, सर एकदम अच्छा रहेगा, बढ़िया बेहतर, कोई दिक्कत, सब कुछ बने रहेगा। नहीं नहीं सब ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हमारा गुगाल चल रहा है, गुगाल में पता कर सकते हैं, सहारनपुर गुगाल जी, अपना ही ठेका है। खुशी ट्रेडर कैसे ठेका है? ये जो है यहाँ पे 12 फॉर्म हमारे बिके थे, जिसमें से 2 लोग एब्सेंट रहे और 1 लोगों ने अमाउंट नहीं भरा। इस तरह से कुल जो हमारे टेंडर खुले वो 10 खुले। इन 10 में जो हमें प्राप्त हुए थे वो 2,37,00,000, 2,38,00,000 ये प्राप्त हुए थे। तो जो टॉप है खुशी ट्रेडर्स, उनका 2,38,00,000 का था, तो उन्हीं को फाइनल किया गया। देखिए 25 दिन का जो है हमने अपने उसमें दिया है, और ये ट्रेड फेयर के नाम से है, जैसा कि इसे स्थानीय भाषा में दिवाली मेला भी कहते हैं। तो इनको एक अपना जो पूरा ग्राउंड है वो दिया जाएगा, और जो भी स्थानीय सुविधाएं हमारी प्रशासन की तरफ से टेंडर में है सारी दी जाएंगी। ये 1 नवंबर से 25 नवंबर तक चले। देखिए ये बिल्कुल है, ये समिति का निर्णय है कि कितना जो है हमारी समिति संतुष्ट है उतने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज़्यादा बोली में फिर हमें वसूली करने में समस्या आती है। पिछली बार का जो ट्रेंड देखा गया है, ज़्यादा आवेश में बोल जाते हैं फिर उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो पिछली बार 1,31,00,000 नहीं, ये काफ़ी अच्छी जो है बोली गई है, और भविष्य में उम्मीद करेंगे कि इससे भी ऊपर जाए। इससे हमारी जो है प्रशासन को काफ़ी आमदनी होगी, जिसका प्रयोग जो है वो पब्लिक वेलफेयर में किया जाएगा। 1,45,00,000 बेस प्राइस रखा गया था, जो पिछली बार से 10% अधिक था।